हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। बॉयज लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो हेडिंग लगाइए चार्ल्स लॉ। ये गैसेस स्टेट में आपका आता है और गैस लॉ में ही एक है। बच्चों, बॉयज लॉ में हम लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, आपको याद हो तो। हम लोगों ने बॉयज लॉ में निकाला था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे के कांस्टेंट था, जो कि बॉयज लॉ में निकाला था, जहां पर टेम्परेचर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था, टी इज कांस्टेंट। अब चार्ल्स लॉ में हम लोग यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग चार्ल्स लॉ। तो आइए हम लोग अब उसको देखते हैं। बॉयज लॉ आपको याद आ गया, और हम लोग क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं बॉयज लॉ के। चार्ल्स लॉ देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवेन मास, इसके न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आते हैं आप लोगों के कोर्स में, और ये आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जस्ट रिवीजन जैसा ही है, इसके न्यूमेरिकल ही मैं लगवाऊंगी। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस increases increases or decreases by 273 हमने इसलिए लिया बच्चों, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो आपका होता है टी, वो 273 केल्विन ही माना जाता है। ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और जहां भी हम यहाँ पर लेंगे टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट में ही लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेंगे। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें एब्सोल्यूट में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री प्लस 273। मान लो 0 दिया है, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस 273, और उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो टेम्परेचर हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट में ही लेंगे, केल्विन में ही लेंगे, इसीलिए हमने 1/273 लिखा हुआ है। ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल, मतलब प्रत्येक डिग्री के चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए टेम्परेचर, प्रेशर शुड बी कॉन्स्टेंट। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो किसी भी उसमें वॉल्यूम में चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जब हम उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज या फॉल होगा, या 1/273 डिग्री। क्लियर है? अब इसको अगर हम
मैथमेटिकली आपको दिखाना चाहे तो मैथमेटिकल इक्वेशन इसका क्या बनेगा बच्चों, अगर हम ये देखें जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, इन जनरल क्या आएगा फॉर्मूला, वीटी मतलब किसी भी टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर वीटी इज इक्वल टू वी जीरो वन प्लस टी अपॉन 273। जैसे हमने 1/273 लिया था, जब 1 डिग्री बढ़ेगा तो 1/273, जब 2 डिग्री बढ़ेगा तो 2/273। मतलब अगर टेम्परेचर V1 हम ले रहे हैं और ये V0 है तो 1 + 1/273 अगर चेंज 1 डिग्री का हो रहा है, चाहे ज्यादा हो रहा हो या कम, अगर 2 डिग्री का होगा तो इसकी जगह 2 लिख देंगे। मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो लिखेंगे वो कितने डिग्री का चेंज हो रहा है वो यहाँ पर हमें लिखना है। 5 डिग्री हो रहा है तो 2 की जगह हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे V5 लिख देंगे, ठीक है ना। उतना ही तो V में भी चेंज होगा ना, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है तो V भी उतना ही चेंज होगा तो वो V5 हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हमको इसे लिखना है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक, ये बात जो इसने यहाँ पे कही वही बात हमने इन जनरल में लिख दी कि टी डिग्री बढ़ रहा है तो टी अपॉन 273, 1 डिग्री बढ़े तो 1/273, 2 डिग्री बढ़े तो 2/273, लेकिन टी डिग्री बढ़ रहा है तो टी अपॉन 273। ठीक, इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते थे बच्चों, चार्ल्स लॉ को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते थे हम लोग, वीटी बराबर V0 1 + 273 जो आपने लिखा है इसको अगर हम ऐसे लिख दें 273 + T/273, ये भी तो राइट है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग V0 273 + T/273 + 0। ब्रैकेट बड़ा बना दीजिए, पूरा ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। क्लियर, इस तरह से भी लिख सकते थे। इसमें क्या है, सेल्सियस स्केल में है, इसमें केल्विन स्केल में है, यहां पे क्या है, केल्विन स्केल है और यहां पे 0 से प्लस किया है तो ये किसमें है, सेल्सियस स्केल में है। क्लियर, अब जब केल्विन स्केल में करेंगे तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल +273, टी प्लस टी कर देंगे। अगर हमें सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में चेंज करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर आपको दिया हो टी प्लस 270 कर देंगे तो वो केल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो वो केल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे निकालें सिमिलरली सिमिलरली 273 + 0 रिप्रेजेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन केल्विन स्केल तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑन केल्विन स्केल, तो हम इसको T0 कैपिटल टी और उसके बगल में 0 लगा देंगे। ठीक, तो अब हम क्या करें, इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिर हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वीटी बराबर V0 और इसकी जगह क्या लिखते हैं 273 + T जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 0 लिखा है, मान लो टेम्परेचर T होता 273 + T होता है केल्विन स्केल के लिए, तो हम इसको क्या लिख देंगे,
टी टी अपॉन टी जीरो, टी टी अपॉन टी जीरो। ठीक, इसको ले टी प्लस 273 केल्विन स्केल का है और ये 273 लिखा, तो वी बराबर वी टी बराबर वी जीरो टी टी अपॉन टी जीरो। ठीक, चलिए अभी डेफिनेशन को बिगाड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल टी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब टी हमारे पास, वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर किन्हीं दो गैस का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो गैसों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू लिखेंगे, या वी जो ये वी लिखा हुआ है हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे 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 क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं हम लोग बच्चों। अगर दो गैस का हम लोग कंपैरिजन करेंगे तब हम लिख सकते हैं वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। ठीक, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें, यहाँ पे ग्राफ खींचें अगर हम लोग, तो क्या आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, और इस स्ट्रेट लाइन में बीच बीच में पॉइंट लगाएं, अगर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो यहाँ अगर पीवी लिखे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी ही तो बढ़ेगा खाली, तो पीवी रखा और यहाँ पे टी रखा, क्योंकि हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होते, पीवी बराबर एनआरटी आती है ना, तो पीवी में पी तो कांस्टेंट है तो मतलब वी ही बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, तो ये क्वांटिटी में पी तो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा, वी बढ़ रहा होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ में हमने पी को कांस्टेंट लिया है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वी भी ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है आपको, दिस स्ट्रेट लाइन शोज यू दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट या शोज दैट टेम्परेचर इज दैट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, हम इसी बात को डिफाइन कर रहे हैं यहां पर शब्दों में, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर, और कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जो केल्विन में आपको दिए जाएगा, है ना, जबकि पी आपका कांस्टेंट हो, जबकि प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और चार्ल्स लॉ को बखूबी समझेंगे।